हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज मंचूरियन ग्रेवी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च और मैंने लिया है सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ग्रेट किया हुआ अदरक, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ जिसको कि मैंने बारीक काट लिया है, 2 टेबल स्पून मैदा, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, एक छोटी गाजर, एक टुकड़ा पत्ता गोभी, एक मीडियम साइज की प्याज, एक छोटी शिमला मिर्च, एक हरी मिर्च। सारी सब्जियों को धो करके अच्छे से काट लेंगे बारीक। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैं इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून मैदा और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। अभी सब्जियों को मिक्स करके देखेंगे, अगर और ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो मैं और डालूंगी, अभी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। और बारीक कटी हुई लहसुन डालूंगी और ग्रेट किया हुआ अदरक, हरी मिर्च, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च। सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में होना चाहिए हमारा। ये सारी सब्जियों के बॉल्स बनाएंगे, मंचूरियन बॉल्स। तो ये मुझे अभी थोड़ा सा कम लग रहा है, यहाँ पर मैं थोड़ा कॉर्नफ्लोर और थोड़ा मैदा और ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और ऐड कर रही हूँ। अब सबसे लास्ट में 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक से पानी सब्जियाँ छोड़ने लगती हैं, इसलिए नमक हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे जब हमारे पकौड़ों को तलना है। फ्रेंड्स, बॉइलिंग कंसिस्टेंसी आ चुकी है और इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, सारे बॉल्स हमने इस तरह से बना लिया है और अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो अब मैं इसे फ्राई करूँगी, थोड़ा थोड़ा गैप में इसको डालेंगे, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएगी। आज को पहले हाई फ्लेम पे रखेंगे, उसके बाद मीडियम कर देंगे, वरना बॉल्स हमारे कच्चे रह जाएंगे। चला देंगे सारे बॉल्स को और फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। आज को ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे, नहीं तो बॉल्स हमारी ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखेंगे। तो फ्रेंड्स, बॉल हमारी रेडी हो गई है और अब हम इसे बाहर निकालेंगे। तो ये मैंने निकाल लिया पेपर टॉवल में। बॉल्स हमारी रेडी हो गई है और अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, सेम पैन में ऑयल को कम करके अब मैं ग्रेवी बनाऊंगी। तो सबसे पहले डालेंगे यहाँ पे लहसुन, अदरक और बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे, चला देंगे इसे। और हम यहाँ पर डालेंगे शिमला मिर्च, पत्ता गोभी। ज़्यादा सब्जियाँ डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे हल्का सा सौते करेंगे। 2 बड़े चम्मच सोया सॉस डालूंगी, 2 बड़े चम्मच चिली सॉस डालूंगी, टमाटो सॉस, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालूंगी, 1/2 टीस्पून नमक डालूंगी, क्योंकि नमक हमारे सॉस में भी है और मंचूरियन बॉल्स में भी है, इसलिए नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे, नमक बस थोड़ा सा डालेंगे। मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर घोल के डालना है और इससे हमारी ग्रेवी बन जाएगी। तो ये मैं यहाँ डाल रही हूँ, थोड़ा पानी और ऐड करेंगे वरना सब्ज़ी हमारी ड्राई ही रह जाएगी। पकने देंगे सॉस को अच्छे से। तो ग्रेवी हमारी अभी से थिक लग रही है, इसे थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। या तो टोटल मैंने यहाँ पर 1 कटोरी पानी ऐड किया है, 1 बड़ा चम्मच विनेगर डालूंगी। विनेगर ज़्यादा नहीं डालना है वरना इसका टेस्ट खट्टा हो जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप चाहें तो अजीनोमोटो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अवॉइड कर रही हूँ। तो रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट लाने के लिए अजीनोमोटो भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ग्रेवी हमारी पक गई है और अब हम यहाँ पर अपने जो बॉल हमने रेडी करके रखे हैं ये डाल देंगे। तो सारे बॉल्स मैंने डाल दिए और बॉल्स को ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस इसको हल्का सा चला देना है और गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। मंचूरियन बॉल्स हमारी बन करके बिल्कुल रेडी है और अब मैं इसे सर्व करूँगी। तो अब मैं एक सर्विंग बोल लूँगी और इसे सर्व करेंगे कुछ इस तरीके से। बहुत ही डिलीशियस दिख रही है, खाने में
बहुत ही टेस्टी होती है और देखा आपने फटाफट बन जाती है। और अब मैं इसे स्प्रिंग ओनियन से गार्निश करूँगी। तो फ्रेंड्स मंचूरियन बोल हमारी बन करके तैयार है। तो फ्रेंड्स वेज मंचूरियन हमारी बन करके तैयार है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।